हमारे साथ स्टूडेंट है, प्लीज़ नाम बताइए अपना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसहाक है और मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हमारी सर के साथ क्लास थी बैटरी कनेक्टर के ऊपर। अब जैसा कि आप सब बैटरी कनेक्टर को देखते हैं, इसमें हमें बस एक ही चीज़ पता चलती थी, प्लस और माइनस। तो आज हमें सर ने बताया है कि इस बैटरी कनेक्टर में सिर्फ प्लस और माइनस ही नहीं होती है, इसमें आपकी थर्मल की भी लाइन होती है, आपकी इसमें टेम्परेचर की भी लाइन होती है, काफ़ी सारी लाइनें होती हैं, जिसे हमें सर ने एक्सप्लेन किया है। और कौन कौन सी लाइनें कहाँ जाती हैं, कौन सी लाइनें सीपीयू से कनेक्टेड है और कौन सी पावर आईसी से और कौन सी कहाँ कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें हमें पता चला। और सर ने जिस तरीके से हमें बैटरी कनेक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सिर्फ चार आपको नज़र आती हैं बैटरी कनेक्टर के जो पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ चार नहीं है, एक्चुअली में ये कई सारे हैं। मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ऑब्वियस सी बात है, और ना ही मैं कोई प्रोफेसर हूँ, ना ही कोई प्रोफेशनल हूँ हमारे एमडी सर और देव सर की तरह। तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बताऊँगा नहीं, आपको अगर जानना है तो खुद इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए। खैर, इसके बारे में अगर मैं और कुछ बताऊँ तो सिंपल भाषा में ये कह दूँ कि अब हमारी नॉलेज इस लेवल की हो गई है कि हमें अगर कहीं पर 0.9 के भी अगर वोल्टेज निकालना है तो उसे किस तरीके से हमें बाईपास करना है, वो हमें आ चुका है। सिर्फ यही चीज़ को हम ट्रेस कर सकते हैं और उसके मदद से हम वोल्टेज को बाईपास कर सकते हैं और वोल्टेज को अपने मर्जी से कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, हमारा ये जो काम है सिर्फ आज शुरू ही हुआ है। आज हमारी क्लास देव सर के साथ कम से कम 6-7 घंटे चली है और हमारी आज प्रैक्टिकल की क्लास भी अच्छी खासी 4-5 घंटे चली है, और हम आज पिछले 12 घंटे से 13 घंटे से आज क्लास में बैठे हुए हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी मालूम नहीं चल रहा है कि हम ये अभी तक इस समय यहाँ पर बैठ करके काम कर रहे हैं। जस्ट हम अभी हम लाइव भी हैं और आपके सामने बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये कोई साधारण मामूली लल्लू पल्लुओं का इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे देव सर का जो लेवल है वो गॉड लेवल है। वो जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन अगर बातों को कर देंगे तो आपके जहन में, आपका दिमाग कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, आपके जहन में वो बातें घुस जाएंगी। हम खुद ही ज़ीरो से काम शुरू कर रहे हैं, हमने आज तक कभी दोस्तों बैटरी कनेक्टर को कभी छुआ तक नहीं था। वो इंसान आज बैटरी कनेक्टर को लेकर के पूरे बाईपास करे पड़ा है, जितने भी वोल्टेज चाहिए उन सबको हम बाईपास कर रहे हैं और वो भी सक्सेसफुल तरीके से। हम जहाँ ट्रेसिंग शुरू कर रहे हैं उस जगह पे बिट मैप भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम पहले खुद ट्रेसिंग कर रहे हैं, उस जगह पे हम सही वोल्टेज निकाल रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और जब हम उस चीज़ को वेरी करने के लिए अपना बोर्नियो स्कीमेटिक्स जब खोल रहे हैं तो उस जगह पे कई सारी जगह पे हमें फॉल्ट्स नज़र आए हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। और इससे हमें ये पता चलता है कि हम एक अच्छे टेक्नीशियन तभी बन सकते हैं जब हमें पूरी नॉलेज हो। बोर्नियो स्कीमेटिक्स को तो देख करके सभी काम कर लेते हैं, मगर बोर्नियो स्कीमेटिक्स के बिना एक टीचर की तरह काम करना और टीचर की तरह काम करवाना एक हर टीचर के बस की बात नहीं है, एक हर इंस्टीट्यूट के बस की बात नहीं है। आज हमारा पांचवें दिन में किसी भी इंस्टीट्यूट में रिबॉलिंग तक नहीं सिखाई जाती है, और आज हम यहाँ रिबॉलिंग तो शुरू दिन में ही कर चुके। हमारा सेकेंड डे ही में जो है कंपोनेंट्स की टेस्टिंग वगैरह, पहचान वगैरह कंप्लीट हो गया। थर्ड डे में हमारी आईसी की क्लास थी और फोर्थ डे में हम सीपीयू करके बैठ गए और आज हम जो है बाईपास करना सीख गए। तो आप मेरे बातों का यकीन कीजिए, ये सिर्फ वहीं हो सकता है जहां गॉड लेवल के टीचर्स हों। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर में मैं यही कहूँगा, थैंक यू देव सर, थैंक यू एसए टेलीकॉम, थैंक यू एमडी सर हमें अपने लायक समझने के लिए। हेलो दोस्तों, एशिया टेलीकॉम के व्यूवर्स, मैं लाइव हूँ इस टाइम, और आज का पूरे दिन में क्या क्या हुआ आज बताना चाहता हूँ आपको। आज जब हमारी सुबह से क्लास स्टार्ट हुई, हमारी 10 बजे से क्लास स्टार्ट हुई भाई, 10 बजे क्लास स्टार्ट होने के बाद वो कंटिन्यू चली फिर 4 बजे तक, यानी 6 घंटे क्लास चली हमारी जो थ्योरिकल क्लास है। और फिर उसके बाद में उसमें बताया टाइप 1, टाइप 2, बैट
बैटरी कनेक्टर के बारे में और कैसे हमें ट्रेस करना है मदरबोर्ड की, कैसे हमें ट्रेस करना है मदरबोर्ड लाइनें कहाँ जा रही हैं, इसके बारे में पूरा बताया। ये समझो कि आज जो है हर टैग की बाल की खाल निकाली गई है यहाँ पे। और फिर उसके बाद में 4 बजे के बाद खाने का वो हुआ, खाना वाना खाया, फिर उसके बाद में भाई 4 बजे आधे घंटे बाद में फिर हम बैठ गए। अभी 10 का टाइम हो रहा है, देख रहा हूँ, हाँ 10:10 हैं। तो फिर जब से बैठे बैठे यही रिसर्च चल रही है, कैसे ट्रेस करनी है लाइन, अगर कोई ट्रैक ख़त्म हो गया है तो उसे कैसे ट्रेस करना है, कैसे मोबाइल को ठीक करना है, बैटरी कनेक्टर का टाइप 1 टाइप 2 सब टोटल आज मदरबोर्ड के बारे में बताया गया। बाल की खाल एक्यूरेट निकाली गई है आज, मदरबोर्ड की जो बाल की खाल हो वो तलक बताई गई है। एडवांस लेवल पे सिखाया जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात ना है, एडवांस सिखा रहे हैं जो भी है। यानी हम आज यहाँ पे बैठ के ये कह सकते हैं कि यार हम तो कुछ भी ना थे, हम तो ये समझो कुछ भी ना जानते थे, हमें तो एक बूंद भी ना है इस समंदर के सामने। इतना कुछ हमें बताया जा रही है इसमें, सर्किट के बारे में, टाइप 1 बैटरी कनेक्टर, टाइप 2 एडवांस लेवल पे कैसे लाइनें ट्रेस करनी है, अगर तुम्हारा सप्लाई तुम्हारे बिल्कुल डिसकनेक्ट है तो कैसे लेनी है, सब कुछ बताया जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें एशिया टेलीकॉम के लिए। फिर मिलते हैं कल इसी वक्त इसी टाइम पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक यू एशिया टेलीकॉम। हेलो, आई एम हिमांशु उपाध्याय फ्रॉम जबलपुर। आज हमारी क्लास थी जो सारे मदरबोर्ड में जो बैटरी के अपने जो बैटरी में जहाँ बैटरी लगाते हैं कनेक्टर लगा रहता है उसके बारे में हमने जाना है कि बैटरी में प्लस होता है माइनस होता है, आईडी लाइन होती है, थर्मल लाइन होती है, इन सब के बारे में हमने जाना है और थर्मल लाइन और आईडी लाइन को कैसे बाईपास कर सकते हैं ये भी हमने जाना है। और हमारे जो देव सर हैं उन्होंने एक लेटेस्ट सैमसंग के फ़ोन में एक थर्मल लाइन और आईडी लाइन को बाईपास करके भी बताया है, जो कि बहुत एकदम इतने डीप लेवल से इतने अच्छे लेवल से उन्होंने बताया, इतना सरल करके बताया, एकदम एक एक चीज़ एक एक बहुत से बड़ी चीज़ एकदम बहुत आसानी से हो जा रही है, बहुत बढ़िया तरीके से बन जा रही है और बहुत मज़ा आया हमें काम करके एकदम। अब कोई भी हो, कोई भी फ़ोन हो, जैसे हम उठाते हैं तो हमको बता दें कि VVS में इतना वोल्ट आना चाहिए, इतना एम्पियर आना चाहिए, सारी चीज़ें हमें एकदम कोई भी मदरबोर्ड हो सब चीज़ एकदम हम देख के और मल्टीमीटर चेक करके बता सकते हैं कि ये लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, CPU में जाएगी कि पावर IC में जाएगी, कहाँ जाएगी, सब हम बता सकते हैं देख के और बहुत आसानी से बना सकते हैं। बल्कि हम VVS वो आईडी लाइन को और थर्मल लाइन को बाईपास कैसे करते हैं ये भी हमें लेटेस्ट बताया गया, जो हम आसानी से कर सकते हैं कि आईडी लाइन और थर्मल लाइन को कैसे बाईपास करना है तो भी हम आसानी कर सकते हैं। सो थैंक यू देव सर, थैंक यू MD सर और थैंक यू एशिया टेलीकॉम। मेरा नाम है सुनील शर्मा, मैं नेपाल से हूँ और आज मैं इधर एशिया टेलीकॉम आया हुआ है, 5 दिन हो गए और आज ट्रेसिंग का क्लास था और ट्रेसिंग इतना ज़बरदस्त सिखाया कि मेरे को आज तक पता नहीं था और कैसे रिंगर IC और ऑडियो IC कैसे बाईपास करते हैं ये सब अब आज बताया और देव सर ने आज IC के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में इतना बताया, आज लास्ट क्लास था IC का इसलिए बता रहे थे कैसे बाईपास करना है, कैसे करना है ये बता रहे थे। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू। आज का मेरा नाम विजय चंदनबावने है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज की क्लास बैटरी के कनेक्टर के बारे में पढ़ाई थी और आज हमने सीखा कि बैटरी में कितने पॉइंट होते हैं, जैसे थर्मोस्टेटर और आईडी की लाइन, उसमें वो लाइन कहाँ से कहाँ तक जाती है, कैसे काम करती है, कैसे मॉडिफिकेशन बनता है, उसके बारे में हमको आज सर ने देव सर ने बताया है। हर एक चीज़ देव सर ने हमको एक्सप्लेन की है और
यहाँ तक ने प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से समझा है। जैसे हमने मल्टीमीटर से जी भी चेक किया है और जो बोर्नियो में नहीं था वो भी सर ने हमको बताया कि बोर्नियो में नहीं होगा तो कैसे हमको उस सर्किट को बनाना चाहिए और कैसे एक्सप्लेन करना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, ये पूरी विधि हमको देव सर ने और MD सर ने हमको बताया है। थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर। हेलो, मेरा नाम मोहम्मद जियाउल है, मैं चेन्नई से हूँ। आज मेरा 5th डे था क्लास में और आज हमने पूरा क्लास किया। सबसे पहले ट्रेसिंग का क्लास था और फिर जितने भी बैटरी एरर आता है, जितने भी प्रकार के बैटरी कनेक्टर आते हैं, बैटरी टेम्परेचर, ये सब के बारे में हमें आज पूरी जानकारी दी देव सर ने, और पूरी एक तरीके से। और ऐसा कोई सा भी चीज़ हमारे जो बोर्ड में नहीं है तो उसको भी बनाना आज हमारे देव सर ने सिखाया, कैसे बनाते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं। तो आज बहुत ही अच्छा क्लास रहा हमारा, और मतलब और भी बहुत सारा कुछ मिला है ट्रेसिंग के बारे में। बढ़िया नॉलेज मिले हमें आज, एक ही दिन में पूरा सारा का सारा ट्रेसिंग करना भी आ गया है, कहाँ से कौन सी लाइन किधर जाती है, CPU में कौन सी लाइन किधर जाती है। तो इस तरीके से हमें देव सर ने समझाया कि मतलब 2 सेकंड के अंदर हम पूरा पता लगा सकते हैं कहाँ पर कौन सी लाइन गई हुई है। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू MD सर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शेख शहजाद है, मैं गुजरात से आया हूँ। तो एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट में आज मेरा 5वां दिन है। आज का सब्जेक्ट बैटरी कनेक्टर पे था, तो बैटरी कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कैसे काम करते हैं, कैसे लाइन है, कहाँ जाती है लाइन है, कहाँ से कहाँ रजिस्टर पे कितना वैल्यू होता है, क्या है, वो सब डिटेल से हमको पढ़ाया गया है, समझाया गया हुआ है। और उसके बाद प्रैक्टिकल भी हमको बताया है कि किस तरीके से आपको बैटरी करने का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में प्रॉब्लम आता है तो आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को चेक करना है, और मल्टी बाईपास चार्जिंग लाइन को बाईपास कैसे करते हैं वो भी हमको बताया गया है। तो बहुत बढ़िया हमको यहाँ पे बढ़िया तरीके से हमको पढ़ाया जा रहा है, बढ़िया तरीके से बताया जा रहा है। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बैटरी कनेक्टर को देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? बदल गया सर, डुअल बैटरी कनेक्टर होता तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे। यस सर, और अगर सर्किट मॉडिफिकेशन करना होता तो हम कर सकते हैं 100% सर, कर सकते हैं। अगर कोई अगर रिटर्न शॉप से अगर रिटर्न आता है जी, और अगर उसके सारे कंपोनेंट्स निकले हुए हैं, ICD पैड लाइन भी छिड़ा हुआ है जी, तो वो सेट को बना सकते कि नहीं बना? 100% सर, बना सकता हूं मैं। अच्छा, आप वोल्टेज को सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं सर। उसका लाइव प्रैक्टिकल किया? लाइव प्रैक्टिकल किया है सर। थैंक यू सर, थैंक यू देव सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू। नमस्कार, आज मेरी सर देव सर के साथ थ्योरी क्लास थी और कम से कम 6 घंटे ये थ्योरी क्लास चली है, जिसमें मैं आज जाना हूँ बैटरी कनेक्टर के सभी लाइनें के बारे में। और आज तक मैं कभी इतनी डीप नॉलेज नहीं जान पाया जो आज मैं बैटरी कनेक्टर के बारे में जान रहा हूँ। अब मेरा बैटरी कनेक्टर को देखने का नजरिया बदल गया है, उसमें जो ID लाइन होती है, थर्मल लाइन होती है, ये सारी लाइनों को मैं CPU से लेके पूरा आज ट्रेस करवाया गया है और सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये बताइए मुझे कि आप सर्किट को मॉडिफिकेशन करना सीखे कि नहीं सीखे? जी सर, आज मुझे एक नई तरीके से मॉडिफिकेशन करना भी सिखाया गया है। अगर कोई वोल्टेजेस आपको नहीं मिल पाते तो आप दूसरी जगह से वोल्टेज उठा के उसको कम में कन्वर्ट करके अपना सर्किट बना के लगा सकते हैं? यस सर, हम कोई भी सर्किट को अब बाईपास कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को। जी सर, प्रॉब्लम होती है जो बाईपास हो सकता है हम उन वोल्टेजेस को बाईपास कर सकते हैं, इसका नॉलेज मिला। जी सर, लाइव प्रैक्टिकल किया? लाइव प्रैक्टिकल किया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, और थैंक यू देव सर, और थैंक यू MD सर। हेलो, गुड इवनिंग, मेरा नाम नरोत्तम है,
मैं यहाँ अभी एशिया टेलीकॉम में हूँ। आज यहाँ पे हमारा 5वां दिन का क्लास था और आज क्लास में बैटरी कनेक्टर के बारे में सिखाया गया और उसमें बैटरी कनेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें क्या कनेक्शंस होते हैं, उसका GR चेक करना, उसका वैल्यू चेक करना, उसका अंडरलाइंग क्या कनेक्शन रहेंगे और उसको मल्टीमीटर से चेक करके कि वो फाइंड आउट करना। और 5-6 घंटे का थियोरिटिकल क्लास में बहुत अच्छे से सर ने सिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद प्रैक्टिकल भी हुआ, प्रैक्टिकल में हमने सीखा कि वो जो थ्योरी हुआ उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके हमने काम किए हैं, कोई सर्किट हो उसको कैसे बाईपास करे, वो उसको वोल्टेजेस GR वैल्यू सब कैसे चेक करे, वो सब सीखा। और यहाँ पे बहुत आके बहुत खुशी हुई। थैंक यू। रमेश पोरे, गुड इवनिंग सर। मैंने आज देव सर, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि आप कितने समय से बहुत साल दस साल से पहले बहुत काम करते, दस साल हो गए नोकिया के टाइम से। आप नोकिया छोटा फिर से, जब छोटा मोबाइल 1153 1110 1111, तो तुम अपडेट होने भी कहीं गए थे? बहुत दो जगह गए थे। दो जगह जाने के बाद क्या नहीं मिला हमको वो नॉलेज नहीं मिला कुछ, वो पुल अप रजिस्टर है, पुल डाउन रजिस्टर है, कुछ मालूम ही नहीं था मेरे को। अभी तो अभी जो आज देव सर के साथ जो आपको नॉलेज मिल रहा है, एक्सीलेंट सर्किटों का नॉलेज मिल रहा है, वो उसका लेवल क्या एग्जीक्यूट करी है यहाँ पर? बोल नहीं सकते इसके बारे में, बोल ही नहीं सकते। डुअल बैटरी का कॉन्सेप्ट आता है, एडवांस सर्किट आता है, 5G के बैटरी कनेक्टर्स आते हैं, 4G के लेटेस्ट वाले आ रहे हैं जिसमें IO की सप्लाई आ रही है, वो मालूम ही नहीं सर। SDSL आ रहे हैं और पहले उसका उसके बारे में मालूम ही नहीं था मेरे को। मालूम था 3 बैटरी का, अभी लेटेस्ट में 4 बैटरी का मालूम पड़ा, लेकिन इधर आने के बाद मेरे को बैटरी का सर्किट क्या है तो समझ में आया मेरे को। सर्किट्स मॉडिफाई कर सकते हैं? हाँ सर, वोल्टेजों के साथ खेल सकते हैं। हाँ सर, यस सर, यस सर, किसी भी IC की जो रिक्वायरमेंट है हम उसको सर्किट अपने सेल्फ मैन्युफैक्चर करके बना सकते हैं। यस सर। इधर आने को देखो, आएगा हिम्मत थोड़ी बोर हो गए सर इन लोग यहाँ। मेरा नाम नीरज शर्मा है, मैं आज देव सर की क्लासों का पूरा डिटेल्स लिया। मुझे यहाँ तक कि ग्राउंड में केवल ग्राउंड ही समझ में आता था, ग्राउंड का भी ग्राउंड होता है, लेकिन ग्राउंड का भी ग्राउंड होता है ये पहले नहीं मालूम था। और बैटरी की हर ID थर्मल सब डिटेल से जानकारी लिया हूँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया नॉलेज मिला मुझे। साथ साथ मैंने प्रैक्टिस किया और पूरी डीप प्रैक्टिस किया, यहाँ तक कि क्या बोलते हैं कि CPU से या पावर तक जो भी लाइनें गई उसका पूरा ट्रेस किया, उस CPU को निकाल कर भी ट्रेस किया उसकी लाइनें। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया नॉलेज मिल रहा है यहाँ पे जो मुझे अदर जगह कहीं मिलने की। बैटरी का जो कोई अगर मोबाइल आया था तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। 5G का सर्किट आया था तो 5G का बैटरी कनेक्टर आया था तो सर तब क्लियर है सर, क्लियर है। बहुत सारी चीज़ों को बाईपास कर सकते हैं? जी सर बहुत 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 बढ़िया तरीके से नॉलेज है सर। वोल्टेज जहाँ जितना रिक्वायर है उसको हम बाईपास करके ला सकते हैं। जी सर ठीक, थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू देव सर, थैंक यू MC सर। मेरा नाम राशिद है, मैं जिला मुजफ्फरनगर बुढ़ाने से हूँ। आज हमें जो नॉलेज मिली है बैटरी कनेक्टर के बारे में नॉलेज मिली है, पहले हमें ये नॉलेज नहीं थी कि ID लाइन कौन सी होती है, थर्मल लाइन कौन सी होती है, किस लाइन पर काम करना, कौन सा एरर आ रहा, इसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं थी। यहाँ पर बहुत ही डीपली बताया गया है और हमारे समझ में भी आया, हमने करे भी कहाँ से क्या लाइन जाती है सब कुछ करा देव सर ने बताया हमें प्रैक्टिकल करके सब कुछ करके। MD सर धन्यवाद, देव सर धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम आज़ाद है, मैं UP मुजफ्फरनगर से हूँ। आज जो हमारे MD सर ने हमें बताया है कि बोर्ड की जो है बैटरी कनेक्टर की थर्मल लाइन ID लाइन कहाँ से कहाँ तक पहुँचती है, कैसे कैसे उनको किया जाता है, कैसे टेस्ट किया जाता है, कहाँ से बाईपास किया जाता है, हमको MD सर पहले हमको देव सर ने थ्योरी पढ़ाई, फिर MD सर ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाया।
और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिकल करके किया है और चेक करा है सर को, हम सक्सेसफुल हुए हैं इसमें पहली बार में ही। तो यहाँ पे जो एशिया टेलीकॉम है इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, काम सिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे सब कुछ। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि आज हम लोग का देव सर से थियोरी क्लास था 6 घंटे का, तो हम लोग आज बैटरी कनेक्टर का पूरी जानकारी लिए, बहुत अच्छा नॉलेज मिला। जैसे कि हम लोग को पता था पहले बैटरी कनेक्टर 3 पिन का खाली, आज हम लोग 6 पिन का सीखे, बहुत डीपली नॉलेज मिला। आज हम लोग सर्किट कैसे बाईपास करते हैं वो सारा जानकारी मिला। आज जो भी प्रॉब्लम आएगा, बैटरी एरर, टेम्परेचर एरर, ये सारा मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो देव सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ और MD सर को थैंक यू एशिया टेलीकॉम। हेलो, मेरा नाम अरविंद अहरवार है, सिवनी जिला से हूँ। आज मेरे को थ्योरी में देव सर से जो नॉलेज मिला सर्किट के बारे में, बैटरी कनेक्टर में कौन कौन सी सप्लाइयाँ आती हैं, बैटरी कनेक्टर पहले जब हम करते थे तो 3 ही लाइन जान पाते थे, और अभी सर ने जो बताया हमको उसमें HDSCL की लाइन भी आती है, VIB लाइन भी आती है, और उसको कहाँ तक टेस्ट करना है, कहाँ से आना है, कितना वोल्टेज का है, फिर उसका ड्राइवर डिवाइडर सर्किट को बनाना वो भी सीखे, कैसे बनाना है, कितना वोल्टेज से कितना पुल अप करना है, कितना अप डाउन करना है रजिस्टर को, वो सारी जानकारी आज मिली, प्रैक्टिकल में भी करके देखे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऐसे टेलीकॉम, थैंक यू MD सर। हेलो, मेरा नाम पप्पू चौहान है, मैं जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। यहाँ बहुत अच्छी नॉलेज दिया जाता है, मैं यहाँ आके जाना कि कैसे बैटरी में कितने, बैटरी के कनेक्टर में कितने लाइनें होती है, और जो देव सर का पढ़ाने का तरीका है, बताने का तरीका है, वो बहुत लाजवाब है, बहुत ही अच्छा है। जो हम लोग को 6-6 घंटा पढ़ाते हैं फिर भी ऐसे लगता है कोई कहानी सुन रहे हैं, और हम लोग का दिमाग में बैठ जाता है पूरा। और हमको जो IC के बारे में जानकारी जो दिए हैं वो बहुत ही अच्छा दिए हैं। ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं जिला मुजफ्फरनगर का हूँ, UP 12। तो आज हमें MD सर ने बैटरी कनेक्टर के बारे में जो भी बताया था, कहाँ से कहाँ जा रही है लाइन, कहाँ से कहीं नहीं, तो हमने सब कुछ ओके किया है, बहुत अच्छा नॉलेज मिला हमें, दिल खुश हो गया आज हमारा। थैंक यू MD सर, थैंक यू देव सर, थैंक यू ऐसे टेलीकॉम। हेलो, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरा नाम है अतेंद्र मंडल। आज मेरा बैटरी कनेक्टर की क्लास थी, उसमें देव सर ने हमको सब कुछ बताया था, कहाँ थर्मिस्टर रहता है, ID वगैरह, ID का लाइन कहाँ जाता है, कहाँ से लेना पड़ता है, वो सब ने थियोरी बताया। उसके बाद प्रैक्टिकल में देव सर, MD सर ने सब कुछ मेरे को बता दिया है, किधर से कौन सी लाइन जाती है, कौन सी लाइन बाईपास करनी पड़ती है किधर से, वो सब कुछ MD सर ने बता दिया है। तो थैंक यू एशिया टेलीकॉम, थैंक यू MD सर, थैंक यू देव सर। हमारे साथ 28 सितंबर की बैच, 28 अक्टूबर की बैच, yes, sir! कौन कौन लाइव है, हम yes, sir! सब लाइए, yes, sir! तो भाई क्या क्लास थी आज हमारी और आपकी, किसके साथ क्लास थी? आज हमारी ट्रेसिंग की क्लास थी सर। अच्छा, डुअल बैटरी कनेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। 5G बैटरी कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरा सर। लेटेस्ट में IO की लाइन आती है? यस सर। ADC सर्किट आता है? यस सर। क्लियर है पूरा सर? कुछ ये बताइए सर ने आपके सामने लाइव, हेलो, यस सर, सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल ADC से प्रॉब्लम थी उसके अंदर, वो बनाया कि नहीं बनाया सर? वो इजी ट्रिक आपके पास है कि नहीं? है सर। अगर पूरा आईडी और थर्मल का सर्किट डिलीवर चले जाता है, यस सर, तो बिना डायग्राम देखे कौन कौन बना सर्किट मॉडिफिकेशन करना किसको आता है? आता है आपको? यस सर।
वोल्टेज बाईपास कर देंगे आप? यस सर। आप कौन कौन सीपीयू तक गया आईडी थर्मल में? मैं सर। डायग्राम तो खोला था आपने क्या? नहीं सर। मेरा डायग्राम मतलब अगर आपको अगर आईडी की दिक्कत है तो आप सीपीयू तक जा सकते हैं। थर्मल की दिक्कत है तो पावर तक जा सकते हैं। yes, और आपके पास एक ऐसा सेट आ गया कि जिसके दोनों कंपोनेंट निकले हुए हैं। yes, sir. तो आप बना सकते हैं। yes, sir. आराम से आप अपने पास से मॉडिफाई करके बना सकते हैं। yes, sir. चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एशिया टेलीकॉम। थर्मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो? क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? उसका सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? सबसे नंबर वाले से Thank you.